क्या आप सब जानते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम सबने पढ़ा है कि दैट इज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक एक एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स एक नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को मेंटेन करता है या फिर रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करता है। एक्चुअल में यू हैव बीन टोल्ड ऑल दिस टाइम रॉन्ग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की जो ओरिजिनल राइटिंग थी प्रिंसिपिया में जो कि न्यूटन ने लैटिन में लिखा था उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था जिसकी 300 साल से ज्यादा टाइम तक गलत ट्रांसलेशन चल रही थी। रिसेंटली एक फिजिसिस्ट ने उनकी ओरिजिनल राइटिंग से फिर से ट्रांसलेट किया है लैटिन से इंग्लिश में एंड पता चला है कि न्यूटन ने एक्चुअल में नो नेट फोर्स की बात नहीं की थी कि लेकिन न्यूटन ने कहा था कि जब नेट फोर्स एक्ट करती है तब वो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ऑल्दो हम लोग फॉर्मल से लैटिन समझ भी सकते हैं लेकिन इन द ओरिजिनल राइटिंग ऑफ प्रिंसिपिया न्यूटन का ये कहना था कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है तब यहाँ पे जब इस पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब ये अपना बेसिकली स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ेगा एंड इट विल एक्सेलरेट। अगर ये रेस्ट पे है सो इन द केस ऑफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ये बेसिकली एक्सेलरेट करेगा। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग ऑल दिस टाइम वो ये कहता है कि जब तक इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये ऐसे एक्सेलरेट नहीं करेगा। बट इट्स एक्चुअली नो यूज टू इवन टॉक अबाउट नो एक्सटर्नल फोर्सेस क्योंकि एटलीस्ट इन द न्यूटन्स टाइम्स हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के लॉज को हम लोग हेवनली बॉडीज पे भी उस टाइम नहीं बिफोर हिज लॉज ऑफ ग्रेविटी बट के अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इन बॉडीज पे यूज करते हैं जहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। सो इट्स एक्चुअली नो यूज टू टॉक इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अबाउट नो एक्सटर्नल फोर्सेस।